उसका फर्स्ट लेयर होगा, उसके लिए हम यहाँ पर 27 इंच फैब्रिक को सबसे पहले अलग कर लेंगे। तो यहाँ हमारा 27 इंच जो फैब्रिक उसको अलग करनी है, और उसको ऐसे डबल फोल्ड करके बीच का जो सेंटर है वहाँ से हम इसको तिकोना फोल्ड करेंगे। इस तरीके से ऐसे ये डबल फोल्ड है ऐसे यहाँ पे, और यहाँ पे तिकोना ऐसे करते हुए यहाँ पे इसको हम फोर फोल्ड में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अभी शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर यहाँ पे हम लेंगे 7 इंच। तो आर्मर हम इसमें छोटा रखेंगे, 6 नहीं रखेंगे, 5.5 ही रखेंगे, क्योंकि ये स्लीवलेस है। तो इसमें स्लीवलेस में जितना आर्मर हम नॉर्मल लेते हैं सूट बनाने में स्लीव के साथ में, उसमें से आधा इंच हम कम करके लेते हैं, तो यहाँ पे हम 5.5 इंच ही लेंगे आर्मर के लिए। अभी हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लेंगे। चेस्ट यहाँ पे है हमारा 34 इंच। इसमें हम 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे, इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं होगी क्योंकि इसमें सिलाई अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी, तो इसमें हम ज़्यादा मार्जिन नहीं लेंगे। और यहाँ पे हमारा 8.5 इंच होगा, और यहाँ हम 9.5 इंच ले लेंगे। तो जितना अभी अभी आर्मोल के लिए हम लेंगे 7 इंच पे ही। तो ये हमारा हो गया चेस्ट का निशान। तो अभी हम इसका राउंड देखेंगे, इसका जितना भी टोटल राउंड निकलता है उतना बेल ऊपर से देखेंगे कितना राउंड ये हमें मिल जाएगा। ये आ रहा हमारा 25.5, और इधर से भी हम 25.5 देख लेंगे। 25.5 यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे इस साइड से भी। तो अभी इस वाले डॉट को सारे डॉट को कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ ले लेंगे आर्मोल के लिए, क्योंकि ऐसे सीधा हो जाएगा तो नहीं सही बनेगा, इसलिए हम थोड़ा सा राउंड करेंगे ऊपर की साइड में। तो आर्म होल की गोलाई दे देंगे। यहाँ पे हल्का सा इसलिए कर किया है क्योंकि ये सीधा एकदम से हो जा रहा है, तो यहाँ पे जब कर देंगे तो ये अच्छे से शेप में आ जाएगा। तो अभी इसको यहाँ से इस वाले लाइन से इसको मैच डॉट को बना देंगे। तो यहाँ पे हम नेक के लिए लेंगे 3.25 इंच। नेक के लिए हम 3.25 इंच मार्क करेंगे, और उसकी जो नेक की गहराई होगी वहाँ हम 3 इंच लेंगे। जो शोल्डर है वहाँ पे बस हम मार्जिन लेंगे, बाकी हमें मार्जिन नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमारे जो टॉप की फर्स्ट लेयर उसकी कटिंग हो चुकी है, और जो सेकंड वाला पार्ट लेंगे वो फर्स्ट लेयर से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको 27 इंच लिया था, और इसको हमने 30 इंच लिया है, तो इसको भी सेम वैसे ही फोल्ड कर लेंगे। तो पहले इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हम इसको बीच से तिरछा इसको ऐसे तिकोना में इसको हम फिर से एक फोल्ड और लगाएंगे, तो ये 4 फोल्ड हमें मिल जाएगा। ये डबल फोल्ड है और ये 2 सिंगल, तो ये हमारा 4 फोल्ड हमें मिल जाएगा। तो अभी हम इसी के ऊपर सेम वैसे ही रख के इस वाले पैटर्न को हमने इसके ऊपर सेम ऐसे ही अच्छे से लगा लिया है बिल्कुल बराबर से। तो जो हमारी फर्स्ट लेयर है उसके ऊपर ही हम सेकंड पार्ट के ऊपर रख के इसको हम कटिंग करेंगे। बस इसके जो सेकंड लेयर कटिंग करेंगे वो इसकी लेंथ को हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऊपर से मेजरमेंट करेंगे कि ये कितना इंच हमें मिल रहा है।
तो यहाँ में 30 इंच आ रहा है निशान टोटल, तो इस साइड से भी हम 30 इंच लेकर और पूरा गोलाई में ऐसे निशान लगा देंगे 30 इंच तक। अभी इन सारे डॉट को हम कनेक्ट कर लेंगे एक साथ। तो यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट लेयर होगी और ये सेकंड लेयर होगी। तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले टॉप की स्टिचिंग करेंगे। तो जो इसका पहला लेयर है, इसके फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाकर इस तरीके से इसके शोल्डर को सबसे पहले हम स्टिच लगाएंगे, और इसी तरीके से जो हमारा सेकंड लेयर है इसके फ्रंट और बैक को मिला के हम इसके शोल्डर पर स्टिच लगाएंगे। और ये जो हमारा फर्स्ट लेयर है इसका शोल्डर हमें इस कुछ इस तरीके से चलना है, जो राइट वाला पोर्शन राइट पे आना चाहिए। तो अभी जब हम सेकेंड लेयर को स्टिच करेंगे तो हमारा स्टिच कुछ इस तरीके से होगा, राउंड पे राउंड वाला रख के ही करेंगे। ये हमारा सीधी साइड पे ही सिलाई लगेगा क्योंकि हम इसको अंदर से फोल्ड करेंगे, तो इसलिए हमारा ये सिलाई जो है ऊपर राइट वाले साइड पे लगेगा। तो यहाँ पे कपड़ा इस तरीके से लेना है, राउंड पे राउंड रख के इस तरीके से सिलाई करना है। इस तरीके से तो हमें फैब्रिक को कुछ इस तरीके से लेना है। जो हमारा सेकेंड लेयर है उसको हम यहाँ पे जो रॉन्ग साइड पे रखेंगे और जो राइट साइड है वो नीचे की साइड होगा, ठीक है। और जो हमारा फर्स्ट लेयर है उसका जो राइट साइड है इसके रॉन्ग साइड पे आना चाहिए, और जो हमारा रॉन्ग साइड है वो ऊपर की तरफ होगा। इसमें जो फर्स्ट लेयर का रॉन्ग साइड है वो ऊपर की तरफ है और सेकेंड लेयर का जो राइट साइड है वो नीचे की तरफ है। तो अभी हम इसमें दोनों शोल्डर को मिलाते हुए राउंड में स्टिचिंग लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने अच्छे से यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लिया है, तो अब इसकी हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा टॉप इस तरह से कुछ तैयार हो गया। तो अभी हम इसमें गले पे एक धागे स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने धागे स्टिच लगा के कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम इसका आर्म होल का स्टिचिंग करेंगे। तो हमें फैब्रिक को कुछ इस तरीके से फैला लेना है, उसके बाद इस वाले साइड को इस तरह से ऐसे फोल्ड करके ले आना है, और ये इसका जो बैक वाला हिस्सा है इसको इस तरह से पलट लेना है, और ये शोल्डर मिलाते हुए यहाँ पर इसको सिक्योर कर देंगे। तो इसी तरह से हमको पूरे में पिन लगाकर इसको सिक्योर कर लेना और एक स्टिच लगा देनी है।
तो यहाँ पर भी हम एक स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर भी हमारी, यहाँ पर मैंने धारी स्टिच लगा के इसको कंप्लीट कर दिया इस वाले स्लीव को। और अभी इस वाले स्लीव को देखेंगे, इसको भी इसी तरह से करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम स्टिच लगा देंगे। यहाँ पर भी हम एक धारी स्टिच लगा देंगे। तो अभी हमारी ये वाली भी स्टिच कंप्लीट हो गई है। फैब्रिक को हम इस तरीके से रखेंगे, और इसका जो फर्स्ट लेयर है और बैक साइड का जो फर्स्ट लेयर है और फ्रंट साइड का जो फर्स्ट लेयर है, उसको इस तरीके से मिला देंगे। और यहाँ से लेके यहाँ तक की स्टिच लगा लेंगे। यहाँ जो अपना सेकेंड लेयर है उसको नीचे से 7.5 इंच छोड़ते हुए और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे एक कट लगाएंगे, जो सिलाई पे कटना हो बस उससे थोड़ा सा हटके यहाँ पे एक कट लगाएंगे। इसको हम अंदर की तरफ खोल करके स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से अब हम दूसरे साइड को भी स्टिच कर लेंगे। ये फ्रंट साइड का फर्स्ट लेयर और ये बैक साइड का फर्स्ट लेयर को मिलाते हुए यहाँ तक स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा डबल लेयर अम्ब्रेला टॉप रेडी हो गया है। यहाँ मैंने नीचे साइड में फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर दोनों में ही पीको कर लिया है।